हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे एकदम नई और फ्रेश वीडियो में। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो होने वाली है एम एस धोनी पर। तो मैं पहले बता देता हूँ, जो वीडियो है वो मैं नहीं बना रहा, ये बना रहे हैं नीरज। नीरज हैं वो भी एक यूट्यूबर हैं, उनके उन्होंने अपना नया यूट्यूब चैनल खोला है। वो भी एक क्रिकेट की वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। तो जाकर आप उनके चैनल को जरूर विजिट करिए, जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। जाकर उनके चैनल पर जरूर देखिए, विजिट करिए, और वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करिए, तो उनका वीडियो को चैनल भी सब्सक्राइब करके जाइए। तो जो हमारी वीडियो है वो भी नीरज ने बनाई है ये वाली, क्योंकि मैं कहीं बाहर गया हूँ इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये वीडियो है वो नीरज बनाई। तो वीडियो हम ये स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो कैसी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हम उनसे वीडियो और बनवाएं या ना बनवाएं, तो इस बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी की लाइफ, जो हम अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जो महेंद्र सिंह धोनी को ना जानता। 16 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने इंडिया को हर फॉर्मेट पे टॉप पे रखा है, चाहे वो ओडीआई हो, T20 हो या टेस्ट हो, वो अपने लाइफ के हर मोड़ पे टॉप पे रहे हैं। इसलिए हम आज उनकी लाइफ से जानेंगे 5 ऐसी बातें जो हम अपने लाइफ में इस्तेमाल करके एक अच्छे मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज हमें एमएस धोनी से सीखनी चाहिए, अपने दिल की आवाज़ सुनना। धोनी को पूरी दुनिया से ज़्यादा अपने आप पर भरोसा था। एक यही रीज़न है कि वो इतना अचीव कर पाए हैं। और बचपन से उनके पिता चाहते थे कि वो जॉब कर लें और अपना गेम छोड़ दें, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी। एक मिडिल क्लास फैमिली में होने के कारण उन्होंने अपने गेम के साथ साथ जॉब भी की। जब उनको लगा कि ये जॉब उनके गेम पर बुरा असर डाल रही है, तो उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। जबकि वो जानते थे कि उनका परिवार इस फैसले में उनका हाथ नहीं देगा, लेकिन उन्होंने ये किया। धोनी के विश्वास का जादू कई बार दिखा है, और जब जब उन्होंने अपने दिल की आवाज़ सुनी, तब तब उनकी किस्मत ने उनका साथ दिया है। दूसरी चीज़ हमें एमएस धोनी से सीखनी चाहिए, वो है फेलियर से सीखना। धोनी ने अपनी लाइफ में बहुत बार फेलियर्स का सामना किया है, लेकिन वो हर बार फेलियर्स को पॉजिटिव वे में लेते थे। और वो मानते हैं कि आपको फेलियर जितना सिखाती है, उतना आपको सक्सेस नहीं सिखा पाती। अपने करियर के शुरुआत में अंडर-19 में मौका नहीं मिलने के कारण वो निराश नहीं हुए। धोनी ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट करीबन 18 की एज में शुरू किया, और 23 की एज तक उन्हें इंटरनेशनल में जगह नहीं मिली। ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कभी हार नहीं मानी, लेकिन इन फेलियर्स ने उनको बहुत मजबूत बनाया, और यही सिखाती है कि हमें अपने फेलियर्स से सीखना चाहिए। तीसरी और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमें एमएस धोनी से सीखनी चाहिए, वो है हार्डवर्क। हार्डवर्क की कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है। धोनी अपने गेम को सुधारने के लिए बहुत टाइम तक ग्राउंड पे टाइम स्पेंड करते थे। उन्होंने 3 साल क्रिकेट खेलने के साथ साथ टीसी की जॉब भी की। आज वो करीबन 40 की एज में हैं, और टीम इंडिया के बहुत ऐसे कम प्लेयर हैं जो उनको 100 मीटर स्प्रिंट में हरा पाए। और वो विकेट कीपिंग में इतने तेज हैं कि वो बैट्समैनों को पता तक नहीं चलने देता है कि वो कब आउट हो गए। ऐसे महान खिलाड़ी ने कभी भी आसान राह नहीं चुनी। चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, स्पोर्ट्स हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड कुछ हो गया, या बिजनेस में हो गया, हार्डवर्क सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो आपको रिजल्ट तो मिलेगा ही, तो सबसे इम्पोर्टेंट है हार्डवर्क। चौथी चीज़ हमें एमएस धोनी से सीखनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालना। उन्होंने देश में और देश के बाहर जाके काफ़ी इम्पोर्टेंट मैचेस खेले हैं। अगर वो विकेट कीपिंग में बेस्ट हैं तो बैटिंग में 20 हैं। चाहे वो इंडियन टीम की कैप्टेंसी करते हुए हो या फॉरेन प्लेयर से भरी हुई आईपीएल टीम हो, उन्होंने हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लिया है। जब वो कैप्टन नहीं थे तो उनके बैटिंग का तरीका बिल्कुल अलग था, वो खुलकर खेलते थे। लेकिन जब वो कप्तान बने तो उन्होंने एक लीडर की तरह जिम्मेदारी निभाई और सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग की। पांचवी चीज़ हमें एमएस धोनी से सीखनी चाहिए, वो है प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करना। सिचुएशन चाहे कितनी भी हार हो, धोनी हमेशा शांत रहते हैं और अपने गेम के बारे में सोचते हैं। मैच के आखिरी बॉल पे ज़्यादा रन चाहिए करके काफ़ी प्लेयर प्रेशर में आके आउट हो जाते हैं, लेकिन धोनी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका खेल इन सिचुएशन में और निखरता है। धोनी ने कई बार आखिरी ओवर में 3-4 बाउंड्री लगाकर मैच जीता है। तो दबाव में आकर धोनी हमेशा बेहतर परफॉर्म करते हैं, तो यही अब हमें अपने लाइफ में सीखना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।